आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने के लिहाज से आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सक्रिय हो रही है। वहीं ईमानदारी और विकास मुद्दों पर चुनाव लड़कर जीत का दावा करने वाली आपके नेता इंदौर सहित तमाम बड़े शहरों में मीडिया से रूबरू होकर पार्टी को नीति और योजनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के विधायक और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी मनजिंदर सिंह लालपुरा ने इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने आगामी मध्य प्रदेश चुनाव में आपकी बड़ी जीत का दावा करने के साथ ही कहा कि वहां स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दे को लेकर प्रदेश की सभी 230 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने गठबंधन के सवाल पर कहा कि आप जहां लड़ी है भारी बहुमत से जीती है। वहीं मनजिंदर सिंह ने पत्रकारों के तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब भी दिए। देखिए, मैं इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं हम सब इंसान हैं, तो इनके बीच जाना भी नहीं चाहिए, हमारे मुद्दों पे जाना चाहिए। हम मुद्दों की बात करें, हम करें कि कैसे एक आम आदमी के बच्चे को शिक्षा अच्छी मिल सकती है, कैसे एक आम आदमी को इलाज सरकार उसमें अच्छा मिल सकता है, तो हम इन चीज़ों पे रहें तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अपनी जुबान से वही बात निकालते हैं जिसका हमें कोई इशारा रहता है, कोई इल्म रहता है। तो देखिए, पार्टी हम भी आम आदमी पार्टी से आने से पहले कोई किसी पार्टी में रहता है, कोई किसी पार्टी में रहता है, कोई बीजेपी में रहा होगा, कोई कांग्रेस में रहा होगा। तो स्वाभाविक है, आदमी तो चाहे वोटर है चाहे सपोर्टर है, वो जहाँ कांग्रेस का रहता है, पहले दो ही तो पार्टी थी तो उनके रहते हैं, जहाँ कोई और लोकल पार्टी है तो आएंगे तो हम लोग सभी से वोटर, सपोर्टर, नेता लोग। तो जो अच्छे लोग हैं वो निकल निकल के एक तरफ हो जाएंगे, और जो जिनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करना है और लूटना है, ये भ्रष्टाचार करना है, वो तो वहीं बैठे रहेंगे। जो अच्छे लोग हैं वो आ जाएंगे। कोई बड़े लीडर मैं आपको कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहता, मुझे आप मौका दें, अभी मैं आया हूँ, अपने जहाँ के जो लोग हैं उनसे पूरी बात करेंगे, तो कितने लोग हमारे उसमें, तो हम जब शामिल करेंगे वो तो आपके सामने आपको बुला के ही करेंगे। आपने एक बात कही थी इशारे कल यहीं पर मैंने आपको इस पर बता दिया है कि हमारे जैसे जून साहब हैं वो भी यहाँ पे आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो उस पर हम पूरा आपको वो शीशा जैसे रहता है पूरा क्लियर कर देंगे कि किसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी हम गारंटीज हैं जो वो लेके आए। गठबंधन की अगर बात आती है तो किसका चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? क्या मतलब किसके साथ हम गठबंधन करेंगे? अभी तो लोग ऐसी नौबत ही नहीं आने देते। तो पंजाब में भी 92 दिया और दिल्ली में भी, वो पहले पहले किया था ना हमने गठबंधन जब पहली बार आए थे, तो मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं है। अगर चल गया तो नहीं चलेगा, पूरे जोर से चलेगा।